अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक टू मैथ क्लास। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट वाले जो पार्ट के प्रॉब्लम थे 1 से लेकर 7 तक, वो किए 1 से लेकर 6 तक से जो थे हमारे पास क्या था पार्ट, वो कि एक्सप्रेस करना था, अलग अलग करना था किसको, कोई भी लागत हम का टर्म दे रहा था उसको एक्सप्रेस करके सेपरेट करके लाग ए एक्स लाग ए वाई लाग ए जेड के हिसाब से रखना था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 7, 8, 9 जो है वो भी इसी तरीके से दूसरे तरीके से होगा, फार्मूले वही लगेंगे, या रेसिप्रोकल होगा या उसको चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 7 दे रहा है शो दैट, अब क्या चीज़ शो आउट करनी है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 7 जो दे रहा है हमारे पास, शो दैट लॉग ए स्क्वायर रूट ऑफ 4th root of 5 इंटू 10th root of 2 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 18 इंटू रेडिकल ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1/4 लॉग ए 5 माइनस 11/5 15 लॉग ए 2 माइनस 2/3 लॉग ए 3। तो शो आउट करना है, क्या चीज़ शो आउट करनी है, शो आउट ये चीज़ करनी है कि इस चीज़ को कन्वर्ट करना है इस चीज़ में। तो हमेशा ये देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल टर्म है, इस सिंगल टर्म को कन्वर्ट करना है मोर देन वन टर्म के हिसाब से। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड हम उठाएंगे तो शो आउट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू शो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या दे रहा है, लॉग ए 4th root of 5 इंटू 10th root of 2 अपान में क्यूब रूट ऑफ 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब पहले ये पावर को है इसको बेस सेम करना है, तो बेस सेम के हिसाब से सिंप्लीफाई करो। जैसे कि 4th root है, 4th root का मतलब क्या होगा, होल पावर के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो लॉग ए 5 4th root का मतलब क्या, 1/4 इंटू 2 सेम, इस 10th root का मतलब क्या होगा, 1/10 अपॉन में 18। अगर 18 के फैक्टर निकालूं तो 18 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 18 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 2, 9 का मतलब क्या होगा, 3 square into 2। तो मतलब 18 के फैक्टर क्या निकले, 3 square into 2, ये होल पावर क्या दे रहा है, क्यूब रूट, ये 1/3 इंटू इसका मतलब क्या, पावर 1/2। आज अगेन सिंप्लीफाई करो, लॉग ए ये 5 ये पावर 1/4 सेम इंटू 2 ये पावर 1/10 सेम अपान में क्या, ये जो पावर है इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, इस 2 के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 2/3 इंटू 2/1/3 इंटू 2/1/2। अब देखो ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस सेम है, तो इन दोनों के पावर जो हैं क्या होंगे, नीचे डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो लेके जाओ, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, लॉग ए 5/1/4 इंटू 2/1/10 माइनस 1/3 माइनस 1/2 अपॉन में क्या होगा, 3/2/3। आज सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा हमारे पास, लॉग ए 5/1/4 सेम इंटू 2/ इन सब की एलसीएम क्या आएगी, 30, 10 की टेबल 30 पे कितनी मरतबा, 3 मरतबा, तो ये 3 माइनस सेम 3 की टेबल 30 पे 10 मरतबा, ये माइनस का 10, 2 की टेबल 15 मरतबा माइनस का 15।
तो आज सिंप्लीफाई करो तो क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास, लॉग ए फाइव अपान में जो दे रहा है थ्री पावर टू ओवर थ्री, तो लॉग ए फाइव पावर वन ओवर फोर इंटू टू पावर माइनस का थ्री में से, या ऐसे कर लो फिफ्टीन में से थ्री क्या, तो माइनस का ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व माइनस क्या बनेगा माइनस ट्वेंटी टू ओवर थर्टी, तो यहाँ पे इलेवन टाइम टू की टेबल, यहाँ पे फिफ्टीन टाइम अपान में क्या थ्री पावर टू ओवर थ्री से, तो ये कंडीशन क्या बनी हमारे पास, लॉग ए फाइव पावर वन ओवर फोर इंटू टू पावर माइनस इलेवन ओवर फिफ्टीन अपान में थ्री पावर टू ओवर थ्री बन गई। अब ये ऊपर वाला सारा टर्म का सारा टर्म क्या एम, ये नीचे वाला सारा का सारा टर्म क्या एन, मतलब क्या लॉग एम अपान एन वाली कंडीशन, ए लॉग ए एम अपान एन जो हमारे पास बराबर होता है किसके, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन के, तो एम किसके बराबर, फाइव पावर वन ओवर फोर इंटू टू पावर माइनस इलेवन ओवर फिफ्टीन, तो कंडीशन क्या बनेगी, लॉग ए फाइव पावर वन ओवर फोर इंटू टू पावर माइनस इलेवन ओवर फिफ्टीन माइनस लॉग ए थ्री पावर टू ओवर थ्री। अगेन सिंप्लीफाई, यहाँ पे कंडीशन कौन सी, ए प्रोडक्ट लॉ, लॉग ए एम इंटू एन जो हमारे पास बराबर था किसके, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन के, इसको सेपरेट करो तो कंडीशन क्या बनेगी, लॉग ए फाइव पावर वन ओवर फोर प्लस लॉग ए टू पावर माइनस इलेवन ओवर फिफ्टीन माइनस लॉग ए थ्री पावर टू ओवर थ्री। अब इसके ऊपर पावर, इसके ऊपर पावर, इसके ऊपर पावर, मतलब क्या पावर लॉ ऑफ कंडीशन, ए लॉग ए एम पावर एन जो हमारे पास किसके बराबर था, विच इज इक्वल टू एन लॉग ए एम, मतलब पावर को क्या आगे लेके आना, तो वन ओवर फोर लॉग ए फाइव, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस इलेवन ओवर फिफ्टीन लॉग ए टू माइनस टू ओवर थ्री लॉग ए थ्री, सेपरेट हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये वाली साइड जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो सेम आ गई, वो चीज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ प्रूव्ड होगी, ये हमारा शो आउट हो गया। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर सेवन जो दे रहा था, इस कंडीशन को इसको कन्वर्ट करना था, किस में सेपरेट करके कन्वर्ट करना था। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर एट और नाइन, जो प्रॉब्लम नंबर एट और नाइन दे रहा है वो कौन सी कंडीशन दे रहा है, वो दे रहा है उसको रिड्यूस करके सिंगल टर्म में, यानी कि सेपरेट अलग करके दे रहा है, उसको रिड्यूस करके रखना है किस में, सिंपल करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटू सिंगल टर्म, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर एट, लॉग ए ट्वेंटी माइनस लॉग ए फिफ्टीन प्लस वन ओवर टू लॉग ए नाइन ओवर सिक्सटीन।
प्रॉब्लम दे रहा है हमारे पास, इसको रिड्यूस करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट करके रखना है। सिंगल टर्म में कैसे, जैसे कि हमारे पास लॉग एम एन प्रोडक्ट था, उसको सेपरेट करके रख रहा, अब सेपरेट वाली कंडीशन है उसको सेम प्रोडक्ट के हिसाब से रखना है या डिवीजन के हिसाब से। तो सॉल्यूशन लॉग ए 20 माइनस लॉग ए 15 प्लस 1/2 लॉग ए 9/6। अब इन दोनों पे कंडीशन कौन सी है, माइनस है बीच में, माइनस है तो मतलब क्या, डिवीजन लॉ वाली एज लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन किसके बराबर था, लॉग ए एम अपान एन। और यहाँ पे कंडीशन कौन सी, पावर वाली एज एन लॉग ए एम, जो बराबर किसके था, लॉग ए एम पावर एन के साथ कन्वर्ट करो। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, लॉग ए 20 अपान में 15 प्लस लॉग ए 9/16 ये होल पावर 1/2। तो यहाँ पे 3 टाइम टेबल, यहाँ पे 4 टाइम टेबल, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बची, लॉग ए 4/3 प्लस लॉग ए 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4। अब यहाँ प्लस है मतलब क्या, प्रोडक्ट एज लॉग ए एम इंटू एन किसके बराबर था, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, मतलब ये वाली कंडीशन दे रहा है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें। तो एम किसके बराबर 4/3, एन किसके बराबर 3/4। सो क्या बनेगा, लॉग ए 4/3 इंटू 3/4, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो क्या वो कंडीशन बनी, लॉग ए 1। लॉग ए 1 किसके बराबर है हमारे पास, लागत हम ऑफ एनी बेस टू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या निकला हमारे पास, ये क्या निकला, प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो भी इसी कंडीशन का है, वो भी करवा लेता हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 9 के अंदर क्या दे रहा है, फर्स्ट पावर लॉ वाली कंडीशन है, तो पावर लॉ के हिसाब से कन्वर्ट करना है। देखो जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 9 के अंदर क्या दे रहा है हमारे पास, 1/3 लॉग ए एक्स माइनस 1 ये पावर 3 प्लस 10/9 लॉग ए एक्स माइनस प्लस 1 माइनस 1/9 लॉग ए एक्स प्लस 1। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन सेम चीज़ नीचे लेकर आओ, 1/3 लॉग ए एक्स माइनस 1 ये पावर 3 सेम प्लस 10/9 लॉग ए एक्स प्लस 1 माइनस 1/9 लॉग ए एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ पे भी आगे फ्रंट में, यहाँ पे फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट में नंबर मल्टीप्लाई कर रहा, मतलब पावर एज एन लॉग एम विच इज इक्वल टू किसके बराबर था, लॉग ए एम पावर एन के, मतलब इस पावर को ऊपर वाले पावर के साथ क्या मल्टीप्लाई, तो लॉग ए एक्स माइनस 1 ये 3 सेम ये पावर 1/3 प्लस लॉग ए ये एक्स प्लस 1 सेम ये पावर ऊपर चला गया 10/9 माइनस लॉग ए एक्स प्लस 1 ये पावर ऊपर चला जाएगा 1/9 ये 3 कैंसिल। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, लॉग ए एक्स माइनस 1 प्लस लॉग ए एक्स प्लस 1 ये पावर 10/9 माइनस लॉग ए एक्स प्लस 1 ये पावर 1/9। अब देखो बीच में माइनस है इन दोनों के, तो मतलब क्या, डिवीजन लॉ एज लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन विच इज इक्वल टू लॉग ए एम अपान एन के, मतलब डिवाइड करो। तो ये कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, लॉग ए एक्स माइनस 1 सेम प्लस किन सैम्पल सेम, तो लॉग ए इन दोनों को क्या डिवाइड करना, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 ये पावर 10/9 अपान में
एक्स प्लस वन, ये पावर वन ओवर नाइन। तो ये कंडीशन सेम लॉग ए एक्स माइनस वन सेम प्लस लॉग ए सेम। अब देखो ये बेस सेम है, ये पावर ऊपर लेके जाऊंगा क्या होगा माइनस का, तो क्या बनेगा एक्स प्लस वन टेन ओवर नाइन माइनस वन ओवर नाइन। तो ये कंडीशन क्या बनी हमारे पास, लॉग ए एक्स माइनस वन सेम प्लस लॉग ए एक्स प्लस वन। अगर इनको सेपरेट करूँगा एल डिनोमिनेटर सेम है, टेन माइनस वन तो क्या बनेगा नाइन, नाइन ओवर नाइन, नाइन नाइन कैंसिल तो क्या बचा वन। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी बनी हमारे पास, लॉग ए एक्स माइनस वन प्लस लॉग ए एक्स प्लस वन। अब देखो इन दोनों टर्मों के बीच में क्या प्लस की सिंबल, प्लस मतलब क्या प्रोडक्ट इज लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन किसके बराबर था, लॉग ए एम इंटू एन मतलब क्या दोनों नंबरों को क्या आपस में मल्टीप्लाई। तो ये कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, लॉग ए एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू इसका तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या बनेगा लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये सेपरेट हो गया, सिंगल टर्म में आ गया, तो ये हमारा क्या निकला आंसर। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर नाइन, जो दे रहा था कि मोर देन वन टर्म दे रहा था, उसको कन्वर्ट करना था किसमें, सिंगल टर्म में। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर नाइन भी हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे के अंदर जो इसके लास्ट वाले प्रॉब्लम रहते हैं बेस चेंज के हिसाब से, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के से पहले, नेक्स्ट लेक्चर से पहले वो चीज़ आपको क्लियर कर पाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।